नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद कानपुर देहात में गत 25 जनवरी को मासूम बच्चों से उनके हाफ कपड़े पहनाकर योगा कराने की खबर मीडिया द्वारा चलाने को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात द्वारा संबंधित समाचार चैनलों के पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसको लेकर आयरा पत्रकार संगठन द्वारा गुरुवार को जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। गुरुवार को आयरा पत्रकार संगठन द्वारा जिला मुख्यालय पर आयरा प्रदर्शन संगठन के निर्देशन पर जिलाध्यक्ष के चतुर्वेदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा को सौंपा गया, जिसमें कहा कि गत 25 जनवरी को जनपद कानपुर देहात में इस भीषण सर्दी में मासूम बच्चों से कपड़े उतरवा कर हाफ कपड़े पहनाकर योगा कराया गया था, जिसकी खबर समाचार चैनलों में चलाई गई, जिसको लेकर बीएसए कानपुर देहात द्वारा संबंधित पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि बीएसए द्वारा दर्ज कराया गया झूठा मुकदमा तत्काल वापस लिया जाए और बीएसए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुकदमा वापस न लेने पर आंदोलन के लिए बाध्य पड़ेगा। यूपी दिवस के अवसर पर कानपुर देहात में योगा दिवस के अवसर पर बच्चों से जो योगा कराया गया, तो उसकी खबर चलाने को लेके पत्रकारों के ऊपर बीएसए द्वारा फर्जी मुकदमा जो लिखाया गया, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन भेजा जा रहा है। हम सभी पत्रकारों में काफ़ी रोष है कि ऐसे फर्जी मुकदमे अगर लिखवाए जाएंगे तो हमारी कलम को दबाने का कहीं ना कहीं कुछ प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से हम लोग किस तरीके से अपना काम कर पाएंगे? अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या आपका? अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे प्रदेश में अपने संगठन को तैयार करेंगे, सभी जगह अपना धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि फर्जी मुकदमे को वापस लिया जाए, राज्यपाल के पास जाएगी। जनपद कानपुर देहात में एक खबर को दिखाए जाने से जहां पर बीएसए के द्वारा व डीएम के निर्देशानुसार तीन पत्रकारों के खिलाफ जो अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा लिखाया गया, उससे न सिर्फ वहां के पत्रकारों बल्कि औरैया जनपद के भी पत्रकारों में काफ़ी रोष है। उसको लेकर के आज यहाँ पर हम सभी संगठन के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के नाम से है, जिस पर कानपुर देहात के जो भी तीन पत्रकार हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा लिखाया गया है फर्जी तरीके से, ये जो पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिला प्रशासन की मंशा रही है उसको हटाते हुए पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे लिखाए गए हैं उनको वापस लेने की मांग के साथ साथ बीएसए की भी बर्खास्तगी की मांग हमारे द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर के आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। औरैया से संवाददाता एसके यादव की स्पेशल रिपोर्ट।